सुधा नेट रेसिपी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बनाएंगे अचार। ये हरा लहसुन है और पत्ते वाला लहसुन है और इसको मैंने अच्छे से धोकर साफ कर लिया है और इस हरे लहसुन से हम अचार बनाएंगे। बिल्कुल चटपटा और बहुत ही बढ़िया अचार बनकर तैयार होगा। और इसके लिए हमने ये गोभी लिया है, गोभी के को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और थोड़े से मटर के दाने लिए हैं और ये गाजर लिया है, गाजर को भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। ये 3 से 4 महीने तक आप इस अचार को खा सकते हैं और ये अचार बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और बहुत ही चटपटा और टेस्टी अचार तैयार होगा। तो सबसे पहले हम इसको भाप में पकाएंगे। गैस पर हम कढ़ाई गरम करेंगे। यहाँ पे मैंने हरे लहसुन को हल्का दरदरा पीस लिया है और ये देखिए ये बहुत महीन मैंने नहीं किया है और ये हम इसमें डाल देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच नमक, अचार में नमक ज़्यादा लगता है तो हाँ यहाँ पे हमने 2 बड़े चम्मच नमक का प्रयोग किया है और 1 चम्मच ये लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर दो चम्मच सौंफ का पाउडर, 2 बड़े चम्मच अमचूर पाउडर, 1 अजवाइन हमने लिया है 1 चम्मच, इसको हम क्रश करके डालेंगे। और इसमें हम डालेंगे 1 बड़ी कटोरी ये ऑयल, अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद 2 से 3 दिन तक हम इसको धूप में धूप दिखाएंगे, उसके बाद जार में भरकर रख लेंगे। ये अचार आपका 1 साल तक खराब नहीं होता है। और इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा 1 चम्मच विनेगर डाल दें ताकि ये और भी ज़्यादा दिनों तक टिके। और अगर अचार को लंबे समय तक रखना है तो आप तेल को पूरा ऊपर तक भरें और इससे अचार खराब नहीं होता है। और ऊपर थोड़ा सा आप उसमें हींग डाल दें और नमक डाल दें तो इससे अचार आपका जल्दी खराब नहीं होगा। इसमें थोड़ा सा हींग भी हम डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके धूप दिखा लेंगे। तो अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि अगला वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। और अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।